of photoelectric effect. So let us now discuss photons counts emitted by a source per second. All right, so this is photons count emitted by a source per second. All right, photon count emitted by a source per second. All right, so let us consider a light bulb. ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइट बल्ब कंसीडर कर लिया, ठीक है. और ये जो लाइट बल्ब है इसका जो पावर है राइट वो है पी. तो पावर पी है इसका, पी वैट. ओके ये पी वैट एमिट कर रहा है, ठीक है. और यहाँ पे जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं इस बल्ब से, जो ये रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका हम वेवलेंथ लैम्डा मान लेते हैं. तो लेट अस कंसीडर दैट the wavelength, okay, the wavelength is lambda, ठीक है, okay, ठीक है. तो यहाँ पे जो है जो total energy, right, जैसे कि अगर मैं consider कर लूँ यहाँ पे कि इस तरह से ये जो पूरा energy है ये actually किसी भी एक surface area जो मैं यहाँ पे imagine कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे एक सरफेस एरिया एक स्फीयर इमेजिन कर लिया है, ठीक है, जिसका एरिया ए है. तो ये पूरा का पूरा एनर्जी इस तरह से इस पे गिर रहा है, इस इमेजिनरी सरफेस पे ये सारे फोटॉन्स जो है वो फॉल कर रहे हैं, ठीक है. तो ये जो इमेजिनरी सरफेस आप देख रहे हो इस पे ये फोटॉन्स क्या हो रहे हैं, इस पे ये फोटॉन्स इस तरह से यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, ठीक है. तो पावर पी क्या है, तो पावर पी है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है. तो यहां पे जो आप ई देख रहे हो ये ई क्या है, ये ई है टोटल एनर्जी, राइट. ये ई क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सोर्स, जो सोर्स है सोर्स का टोटल एनर्जी पी. पी इज द पावर, राइट. पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड. तो यह हो गया ई बाई टी, राइट, डब्ल्यू बाई टी या ई बाई टी, जो भी टोटल एनर्जी ये सोर्स यहां से रिलीज कर रहे हैं. तो ये जो E है दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सोर्स, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सोर्स, ऑलराइट. और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि टोटल फोटोन्स कितने रिलीज हो रहे हैं. अभी एक फोटोन का एनर्जी कितना है, तो उसको मैं ई वन कह देता हूँ, ठीक है. ई वन क्या है, ई वन इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन. ओके ई वन इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन. तो ई वन कितना है, ई वन है एच एफ या फिर एच सी बाई लैमडा, ठीक है, एच एफ या एच सी बाई लैमडा. तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये ई क्या है और ई वन क्या है, ठीक है. तो ई जो है, ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सोर्स, राइट. और पावर क्या है, पावर इज द रेट ऑफ दैट एनर्जी ट्रांसफर, मतलब हर सेकेंड ये सोर्स ये बल्ब कितना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है. तो हर सेकेंड ये जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है वो टोटल एनर्जी ई है. और एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना है, वो है एच एफ और एच सी बाय लैम्डा. तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड जो वो एमिट करेगा, राइट, एन, वो क्या होगा, वो होगा पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, राइट. ऑलराइट, सो पावर ऑफ द सोर्स, क्योंकि दिस इज द टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन विल गिव अस नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है ना. तो टोटल एनर्जी ई है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन ई वन है. तो जब आप ई को ई वन से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ फोटोन्स मिलेंगे. और टाइम अगर वन सेकेंड है तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड मिलेंगे. तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटोन्स हो गया पावर डिवाइडेड बाय ई वन. ई वन क्या है, ई वन है एच सी बाय लैम्डा. तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ फोटोन्स का. तो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय अ सोर्स पर सेकेंड, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है, यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया है कि ये जो बल्ब है, इस बल्ब का एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी हमने 100% एज्यूम किया है, ठीक है. एफिशिएंसी जो है ऑफ द बल्ब वो हम लोगों ने कितना एज्यूम किया है, वो हम लोगों ने एज्यूम किया है 100%. अगर मान लो कि अगर एफिशिएंसी 100% नहीं होगा, जैसे मान लो 50% होगा एफिशिएंसी, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इफ एफिशिएंसी इज 50%, ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं,
ठीक है, अगर एफिशिएंसी 50% होगा तो फिर ये नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू पी लैम्डा बाई एच सी, 0.5 इंटू पी लैम्डा बाई एच सी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो, अगर एफिशिएंसी 0.3 यानी 30% होगा तो फिर आप यहाँ पे 0.3 इंटू पी लैम्डा बाई सी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो लेट अस टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, इसमें लेट अस टेक अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आई होप को समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, जो ये है जो पी है, पी क्या है, पी बेसिकली इसका यूनिट क्या होगा, जूल्स पर सेकेंड, राइट, एनर्जी पर यूनिट टाइम होगा, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है हम लोगों को कि जब भी हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं कि इस सोर्स से पर सेकेंड कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, कितने फोटॉन्स इससे निकल रहे हैं, तो फिर वो फॉर्मूला होगा पावर ऑफ द सोर्स डिवाइड बाई ई वन, अगर एफिशिएंसी 100% है तो। और अगर एफिशिएंसी कम है, 50% है, 30% है, तो फिर उसके हिसाब से हमें उसको मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। ठीक है, तो लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑन दिस। तो आप क्वेश्चन नोट डाउन करिए। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमें एक रेडिएशन है, उसका हमें वेवलेंथ दिया गया है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 10 आवर्स बाय अ 60 वैट सोडियम लैम्प। लैम्डा दिया है 5893 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो है आपको वेवलेंथ दिया गया है, तो और आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ फोटॉन्स हम कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है पी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यानी पावर ऑफ द सोर्स। पी क्या है, पी इज द पावर ऑफ द सोर्स, तो पावर ऑफ द सोर्स डिवाइड बाय ये क्या है, ये है एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो इससे हमें मिल जाएगा कि एक सेकेंड में कितना यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन जो एमिट हो रहे हैं। दिस इज नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर पर यूनिट टाइम, यानी पर सेकेंड। सो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, तो अब जब आप ये निकाल लोगे नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, उसको बस आपको 10 आवर से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 3600 इंटू 10, 36,000 सेकेंड से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो पहले आप एन निकाल लीजिए, पर सेकेंड निकाल लीजिए। तो पी कितना दिया गया है, पी दिया गया है 60 वैट, 60 लिखिए। एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकालना है तो आपको एच सी बाय लैमडा करना होगा, एच सी बाय लैमडा। तो एच सी बाय लैमडा ये हमें कैलकुलेट करना होगा, तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन वो है एच सी बाय लैमडा। ठीक है, तो एच का वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग, एच का वैल्यू 6.63 × 10^-34, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो है वो एसआई यूनिट में ही हम लोग डाल रहे हैं, क्योंकि पावर ऑफ द सोर्स जो है वो वैट में दिया गया है, इसलिए एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो है वो भी हम लोग जूल में ही निकालेंगे। बिकॉज जो वैट है, वैट का यूनिट मतलब जूल पर सेकेंड है, तो ये भी हम लोग जूल में निकालेंगे। तो हम लोग एसआई यूनिट में ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एच सी, सी कितना है 3 × 10^8, और लैमडा कितना है, ये लैमडा है 5893 × 10^-10। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन आ जाएगा 3.374 × 10^-19 जूल। तो इसको आप थोड़ा चेक कर सकते हैं कैलकुलेशंस। ठीक है, तो ये निकल गया, अभी इसको बस आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट, इसमें। और आप टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए आप इस चीज़ को 60 डिवाइड बाई ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो हमने निकाला है, राइट, एनर्जी ऑफ वन फोटोन वो हम यहाँ डाल देंगे 3.374 × 10^-19। ठीक है, ये आ जाएगा पर सेकेंड का, और लेकिन हमें चाहिए 10 आवर्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, इंटू 10, 10 आवर्स, 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं।
राइट। तो यहां से हमें जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएगा और वो आंसर आ जाएगा 6.40 इंटू 10^34 फोटॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल कि हाउ कैन वी कैलकुलेट, राइट, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस कि ये जो लाइट फॉल हो रहा है तो इसका इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, तो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू अ लाइट सोर्स। तो ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें आगे का सब समझने के लिए, इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए। ठीक है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू अ लाइट सोर्स, तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, द एनर्जी क्रॉसिंग, आप लोग भी लिख लीजिए, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ अ वेव या इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट वेव। ठीक है, यहां पे तो जो एनर्जी है, राइट, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, उसके बारे में यहां बात हो रही है। चलिए आप एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे ये एक सोर्स है, इस तरह का एक हमने एक सोर्स ले लिया, राइट, और यहां से ये लाइट एमिट हो रहा है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, इस तरह से लाइट एमिट हो रहा है। और यहां पे आप देख सकते हो बेसिकली एक आप इमेजिनरी एरिया कंसिडर कर लो, जो भी इसका एरिया है ये, राइट। तो ये एक पैरेलल बीम है, तो ये पैरेलल बीम इस एरिया के थ्रू क्रॉस हो रहा है, राइट, इस एरिया के थ्रू परपेंडिकुलरली ये क्रॉस हो रहा है इस तरह से। तो ये डेफिनेशन क्या कहता है, ये कहता है द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, तो बेसिकली एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा इंटेंसिटी। और क्या लिखा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो ये जो आपको यहां से इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिला, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो आपको पता है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, वो होता है पावर, तो वो हो गया पावर अपॉन एरिया। ठीक है, तो दिस इज इंटेंसिटी, आई इज इक्वल टू पी अपॉन ए। तो यहाँ पे जो एरिया है वो ए है, ठीक है, और पावर जो है सोर्स का वो पी है, तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा पावर अपॉन एरिया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर कर ले एक एक यहाँ पे स्फेरिकल सोर्स कंसिडर कर ले, तो मान लो कि ये स्फेरिकल सोर्स, इसका पावर पी है। ठीक है, स्फेरिकल सोर्स है, इसका पावर पी है, और हमें फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी यहाँ पे एक आर डिस्टेंस पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम आर डिस्टेंस पे एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करेंगे, स्फीयर। ठीक है, राइट, स्फीयर जो ड्रॉ किया हमने, क्योंकि जो एनर्जी फॉल होने वाला है, एनर्जी जो निकल रहा है इस सोर्स से, वो एक थ्री डायमेंशनल, राइट, एक 3D स्पेस में वो रिलीज हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा एनर्जी जो है ये एक्चुअली कहाँ फॉल हो रहा है, ये पूरा एनर्जी जो है ये इस इमेजिनरी स्फीयर पे फॉल हो रहा है, या कोई भी इमेजिनरी स्फीयर जो हम इसके आगे कंसिडर करेंगे उस पे वो फॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने कंसिडर किया है, क्योंकि हमें आर डिस्टेंस पे हमें इसका जो पावर है सोर्स का वो पी है, और हमें इस पॉइंट को मैं कुछ क्यू मान लेता हूँ, तो मुझे क्यू पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू, तो इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू निकालना है, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एनर्जी फॉल हो रहा है वो बेसिकली इस पूरे सरफेस एरिया पे फॉल हो रहा है, राइट, इस पूरे सरफेस एरिया पे, जो भी इस सोर्स का टोटल एनर्जी है,
राइट, वो एक्चुअली इस सरफेस एरिया पे फॉल हो रहा है, तो वो पूरा जो एनर्जी है इस पूरे सरफेस एरिया पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो मुझे इस सरफेस इसका सरफेस का एरिया निकालना। अब ये स्फीयर है तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 4π r² राइट, इसका एरिया होगा 4π r² और जो सोर्स का पावर है, तो सोर्स और ये जो आप देख रहे हो लाइट वेव्स, ये सब कैसे हैं, ये सब इसको परपेंडिकुलरली इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं, राइट। कैसे क्रॉस कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, राइट। ये तो हमने एरिया कंसिडर किया है स्फेरिकल, क्योंकि सोर्स स्फेरिकल है, इसलिए हम लोगों ने जो यहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया है वो भी एक स्फेरिकल ड्रॉ किया है, राइट राइट। और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो इस तरह से ये लाइट फॉल हो रहा है, ये लाइट परपेंडिकुलरली इस सर्फेस एरिया को क्रॉस कर रहा है। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स का पावर अपॉन ये जो एरिया है इस स्फीयर का डिवाइड बाय दैट। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो हो जाएगा P/4π r² डिवाइड बाई 4π r² ये हो जाएगा इसका इंटेंसिटी, राइट। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, हमने एज्यूम किया हुआ है कि जो एफिशिएंसी है यहाँ पे वो 100% है, ठीक है। जो सोर्स का एफिशिएंसी है वो 100% है, और अगर 100% नहीं है तो आपको पता है फिर क्या करना है। अगर मानो 50% है तो बस आपको उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। अगर 30% है तो आपको उसको इंटेंसिटी को 0.3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, आई ईट, ठीक है। इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर आपको याद करने में डिफिकल्ट हो तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, एनर्जी या इंटेंसिटी यानी आई ईट, आई इज इक्वल टू ई बाई ए टी, ठीक है। और ये क्या है, ये आई पा, तो आई ईट आई पा ऐसे आप याद कर सकते हो, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। इट इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी बेसिकली जो है सोर्स के टोटल एनर्जी